तो भाई आज मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, और मौसम बड़ा सुहाना तो हम पकोड़े ले रहे हैं कादर भाई के आज। तो भाई ये खाएंगे हम आज, तो उसकी पार्टी करने वाला हूँ आज भाई। इसकी वीडियो बनाई थी एक और, कितने मिलियन में चल गई? 1 मिलियन। 1 मिलियन प्लस वीडियो चल गई भाई की। और भाई एक बार नाम बता दिए हम, आशीष भाई। तो भाई हमारे गर्मा गर्म पकौड़े देख ले कैसे बन रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं बड़ाई कढ़ाई के तेल में। तो भाई ये भी एक बार निकले हैं, दोबारा फिर निकलेंगे ना दोबारा। तो भाई ये मंगलोर में कॉर्नर रहता है कदर भाई का। तो आज हमारा स्टैंड भी घर रह गया था, तंदूरी ऑर्डर किया था, लेकिन आज हम पकौड़े ही ले जाएंगे भाई कादर भाई के। तो भाई ईद का टाइम चल रहा है, तो फिलहाल डिमांड भी ज़्यादा रह रही होगी नॉन वेज के पकौड़े। ईद पे ज़्यादा रहती है ना डिमांड नॉन वेज। तो भाई यहाँ पे सिख रहे हैं तंदूरी नॉन वेज। भाई हमारे पकोड़े तैयार हो गए, भी पैकिंग हो रहे हैं। पैकिंग में क्या क्या देते हैं साथ में? डिस्पोजल प्लेट है। अदर के पकोड़े तो ले आए, और इन्वायरमेंट देख लो, और ये ट्राई करने वाले भाई यहीं पे खा के बताएंगे आपको कैसे बन रहे चिकन के पकोड़े। तो भी आई, तो भाई एक ही हमें डोंगा भी मिल गया है, और डोंगा, और इसमें है भाई ये हमारे चिकन के पकोड़े। और यहाँ दिखाओ भाई, इसमें प्याज नींबू है, और ये मिल जाती है चटनी, और ये सब कुछ 100 रुपये में है भाई। तो भाई चटनी में देख लो दही मिली है भाई। तो भाई यहाँ पे है प्याज, ओ भाई साहब। तो भाई ये पन्नी देख के तो आप समझ ही गए होंगे क्या रखता है इसमें क्या नहीं। तो भाई ये प्याज होगी, ये दही होगी, और भाई अभी ये देख लो भाई चिकन की क्वांटिटी। और ये भाई चिकन का मांस का पीस है, देख सकते हैं आप कैसे टूट रहा है। अभी मैं ट्राई करता हूँ उसको दही के साथ में। अब चिकन का जो फ्लेवर आ रहा है ना दही के साथ में, चटनी के साथ में, और थोड़ा स्पाइसी भी है भाई चिकन पे, वो देखने को नहीं मिल रहा जो बेसन रहता है ना, बिल्कुल पकौड़े हैं सिंपल से। अभी ये देख लो, एक तो अभी रक्षित भी बताएगा रिव्यू कैसा है कैसा नहीं, शायद थोड़ा कम कर ला भाई, चबाने में मशक्कत तो हो रही है ना। ये देख लो भाई, ये देख लो भाई, ये भी ट्राई करके देख लो भाई, ये भी मांस का पीस ही है, चिकन का मांस का पीस है। तो भी खा के बताओ कैसा है। वाह भाई कैसा लग रहा है टेस्ट? बस थोड़ा चबाने में, हाँ कच्चा है, बस कच्चा है थोड़ा चबाने में। तो जल्दबाजी में फ्राई कर दिया, वैसे तो ये 2 बार पकते हैं लेकिन एक बार ही तैयार कर दिया। देख लो भाई, ट्राई कर रहा हूँ हड्डी का पीस बोन का। तो ये देख लो भाई, थोड़ी हड्डी है इस पर छोटी, और इसको मैं ट्राई करता हूँ अभी दही के साथ में। और तो प्याज भर भर के दिए भाई, देख लो भाई प्याज में कोई कंजूसी नहीं है भाई। और चिकन के पकोड़े मैं रख लेता हूँ, चलो भाई। तो इस पे ये नींबू छिड़को ऐसे, ये हो गया। तो ये देख लो, ये भी बोन का पीस है भाई साहब, बोन का, और बोन के पीस में मज़ा आएगा भाई ऐसे डबल डबल। और भाई ये प्यारा है पीस बोन का, ये भी थोड़ा ये निकाल के मैं कैमरा मैन के मुंह में दे रहा हूँ भाई। ये दही मुंह खोल भाई, इसके मुंह में पानी आ रहा होगा। प्याज भी लेगा, ले भाई प्याज भी ले, वो मुंह में पानी आ, ले लो
देख लो, बोन और मांस का पीस, इनके चेस्ट के आसपास का पीस है भाई। ओहो, और दही में ऐसे नुहाओ, ऐसे टपकाओ, एक नंबर। चिकन को पौड़े लगी मेरे से। तो ये देख लो पीस कैसे बिखर रहा है भाई, देख सकते हैं आप। ओ इसको ऐसे लिया भाई, मक्खन मलाई का मज़ा पूरा आ रहा भाई, एक नंबर। अभी भाई कैमरा मैन को दे दो यार, लो भाई मुँह खुल रहा है। अभी ये लो भाई नींबू, नींबू को ऐसे निचोड़ो इसके ऊपर, ऐसे यहाँ करो, और ये रखो दही, गजब। और दमदम पीते रहो। ये हड्डी है भाई इसकी, तो बोन का मज़ा इतना सारा है ना, बहुत ज़्यादा बात नहीं। तो भाई ये कैमरा मैन के लिए, लो भाई। वो तेरी उंगली काट रही भाई, बहुत अड़ा हुआ। ये दिखाओ भाई, फटाफट फिनिश करता हूँ मैं इसको। अब आप पकौड़े लेके खाओ, ठीक है भाई, तमादम ईद के टाइम। अरे तेरी वे कौन है लोगनी, जा दिखा भाई उधर लोगनी आ रही भाई। चल भाई इधर दिखा, जो भी आ रहा छोड़ दे। ये देख लो भाई, ऊपर। अब ये देख लो नेक का पीस है भाई, दिखाओ भाई ये नेक का, गर्दन का पीस। इसको ऐसा डबो, दिखाओ यहाँ, और ऐसे भिगो के चटनी में, वाह। तो चटनी के साथ में मुर्गे पोड़े जब डूब जाते हैं ना, फुल मजे लगते हैं। ये फिनिश कर रहे हो, लास्ट पीस रह गया है, और बड़ा प्यारा पीस है भी, ये देखो। और भाई जंगल में खाने का मतलब ये है कि अच्छे से खुल के रिव करना। मजा आ गया, तो वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में।